हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें घर बैठे अपनी नंबर प्लेट कैसे ऑर्डर कर लेनी है। जिन लोगों की नंबर प्लेट डिलीवर नहीं हो पाती, वो क्या गलतियाँ कर लेते हैं, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और आपको किस तरीके से उन गलतियों को अवॉइड करके आसानी से अपनी नंबर प्लेट ऑर्डर करके मंगा लेनी है, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आप एक एक चीज़ डिटेल के साथ देखें और सीख जाएं एक ही बार में अपनी नंबर प्लेट घर बैठे ऑर्डर करना। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बुक माई HSRP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सिंगल क्लिक से इस वेबसाइट पर आ जाओगे। दोस्तों, उसके बाद आपको अगर 7 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टिकर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है स्टेट का। आपको इस वाले लिस्ट पे क्लिक करके अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इधर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, जो भी आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, ये आपको आपकी RC पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, उसके बाद आपको अपना गाड़ी का चेसिस नंबर एंटर करना रहता है इस वाले कॉलम में। आप चाहें तो पूरा चेसिस नंबर इधर एंटर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लास्ट के 5 डिजिट भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक कंडीशन है कि इसमें कोई भी स्पेशल करेक्टर ऐड ना हो, जैसे इन्होंने नीचे एग्जांपल दे रखा है। तो इस तरीके से आपको कोई भी स्पेशल करेक्टर ऐड नहीं करना है, लास्ट के 5 डिजिट अपने चेसिस नंबर के एंटर करने हैं। और सेम इसी तरीके से आपको इंजन नंबर के लास्ट के 5 डिजिट या पूरा इंजन नंबर इधर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपको कैप्चा देखने को मिलता है, उस कैप्चा को फिल करेंगे और क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक हियर बटन पे क्लिक करोगे, अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल के आ जाएगा। आपको इधर आपकी गाड़ी की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि भारत स्टेज यूरो 1 है तो वो दिखा देगा, बाइक की रजिस्ट्रेशन डेट दिखा देगा, गाड़ी की मेकर्स कौन है, व्हीकल कैटेगरीज दोनों आपको इधर देखने को मिल जाती हैं। आपको अगला ऑप्शन ये रहता है कि आपके पास बाइक है या स्कूटी, उस चीज का सिलेक्शन आपको यहाँ से कर लेना है व्हीकल कैटेगरी पे क्लिक करके। हमारे पास बाइक होने वाली है तो हम क्लिक करेंगे मोटरसाइकिल वाले बटन पे। और उसके बाद दोस्तों, आपको ओनर का नाम इधर एंटर करना है, जो भी उनकी RC में उनका नाम हो। उसके बाद ईमेल ID एंटर करें, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, यह कंपलसरी है एंटर करना। इस नंबर पर आपको एक OTP प्राप्त होगा, और उसके बाद आपको कैंडिडेट का कंप्लीट एड्रेस इस बिलिंग एड्रेस में फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। आपको यहाँ OTP नंबर एंटर करना है, ये 4 डिजिट का OTP होता है। चलिए OTP एंटर करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने OTP एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट बटन पे। दोस्तों, यहाँ आने के बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, होम डिलीवरी और डीलर अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए अपनी नंबर प्लेट की, तो आपको होम डिलीवरी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको डीलर अपॉइंटमेंट चाहिए कि आप जाकर के अपने डीलर से ही नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं, तो डीलर अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी कई जगह ऐसी हैं जहां होम डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो हम डीलर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही सेक्शन होने वाली है इस वीडियो का। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपने डीलर अपॉइंटमेंट गलत चुन लिया, तो आप वापस होम डिलीवरी भी चुन सकते हैं यहां पर सिंगल क्लिक करके। ठीक है, तो स्टेट हमने ऑलरेडी चूज कर ली थी, और उसके बाद ये ऑल वाला सेक्शन जो हमें आ जाता है, इसमें हमें सारी पूरी स्टेट में जितने भी जिले हैं सभी इधर हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको अपने पिन कोड का पता है, तो आप अपना पिन कोड एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको अपना पिन कोड नहीं पता, अगर जिले वाइज ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे तो पता है अपना जो पिन कोड है हमारे एरिया का, मैं वो एंटर करूंगा। दोस्तों, मैंने पिन कोड एंटर कर दिया है। अब उसके सामने आप देख सकते हैं एजेंसी का नाम आ गया है, डाउन एरो देखने को मिल रही है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको दिखा देता है अर्लियर जो डेट अवेलेबल है 27 मई, यानी 27 मई तक आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी, और 495 रुपये का पेमेंट आपको देना होगा नंबर प्लेट बुक करने के लिए। तो ये चीज आपको इधर देखने को मिल जाती है, ये चीज पहले ही आपको बता देता है। और उसके बाद आप चाहें तो अपने डीलर चेंज भी कर सकते हैं। नीचे ये है, एक डीलर हमारे यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपको जो भी सहूलियत लगे, जो पास लगे, आप अपने अकॉर्डिंग वो चुन लेंगे, क्योंकि कैंडिडेट की बाइक भी यहाँ से निकली हुई है और वो इसी डीलर का सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं कन्फर्म डीलर बटन पे। दोस्तों, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का कैलेंडर आ जाता है। इस कैलेंडर में आपको जो रेड कलर की डेट्स है वो आप नहीं ले सकते, और जो ग्रे कलर की डेट्स है यानी कि वो बीत चुकी है, उन्हें तो आप वैसे भी नहीं ले सकते। जो नेवी ब्लू कलर की डेट्स है, आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इधर आपको टाइमिंग देखने को मिल जाती है, आप किस टाइम में फ्री हो, वो स्लॉट आपको इधर से टाइमिंग का बुक करना होता है। जैसे कि मैं 27 तारीख को ही सबसे पहले की डेट मिल रही है, मैं 27 तारीख को ये नंबर प्लेट चाहिए, और हमारे पास सुबह को 10 बजे से 12 बजे के बीच टाइम होगा, तो हम यही टाइम का सिलेक्शन करेंगे। हम अवेलेबल बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, क्लिक करेंगे कन्फर्म एंड प्रोसीड बटन पे। दोस्तों, आपको इधर ही सारी डिटेल एक बार फिर से चेक करने के लिए बोलेगा, जो भी आपने डिटेल फिल की थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह सब आपसे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो एक बार चेक कर लें।
पहली बात तो गलत होता नहीं है ये, क्योंकि गलत होता है तो रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट ही नहीं होता। तो चलिए क्लिक करेंगे कंफर्म एंड प्रोसीड बटन पे। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछता है अगर आप नंबर यहाँ पर दूसरा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर आपको वही नंबर जो आपने रजिस्टर किया था पहले वही नंबर को सेम रखना चाहते हैं तो सेम एज प्रीवियस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, 370 रुपए की आपकी नंबर प्लेट है, कन्वीनियंस फीस 50 रुपए है, ग्रॉस टोटल 420 हो गया और CGST लग गई 37, SGST लग गई 37। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहा है 4.60 रुपए आपका अमाउंट हो गया है। तो चलिए इसका पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए क्लिक करेंगे पे ऑनलाइन बटन पे। दोस्तों रेजर पे के थ्रू इसमें पेमेंट होता है। अब आपको यहाँ काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। दोस्तों हम UPI से पेमेंट करने वाले हैं, बाकी भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और पे लेटर वगैरह दे रखा है। हम क्लिक करेंगे UPI QR पे, शो QR पे क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं शो QR बटन पे। चलिए कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूं। मैं लाइव पेमेंट करने लगा हूं आपके सामने। दोस्तों मैंने इसका QR कोड से पेमेंट कर दिया है। अभी आप देखेंगे ये होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल आपके सामने दोस्तों देखिए मैसेज आ चुका है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं आपके सामने ऑर्डर नंबर वगैरह सब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब आपको इधर QR कोड भी देखने को मिल जाता है, राइट में आपकी डिटेल भी इधर आपको मिल जाएंगी। हमें क्लिक करना है प्रिंट बटन पे, इसको डाउनलोड कर लेना है और PDF को ओपन। दोस्तों इस PDF को आप देख सकते हैं, इसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जब आप करेंगे ऑर्डर आपको ऑर्डर डेट मिल जाएगी, जहां पर आपका फिटमेंट का लोकेशन है वहां का कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा, वहां के एम्प्लॉयज का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, डेट टाइम जो हमने सिलेक्शन किया था वो ऑलरेडी आपको वही दिखाई देगा, पेमेंट स्टेटस वगैरह सब आपको उसमें मिल जाने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर बैठे कितनी आसानी से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस तरीके की वीडियोस की जरूरत पड़ती रहती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस हम रेगुलर लाते रहते हैं और अभी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, आपके मतलब की काफी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।